औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सहेलियों, सखियों, सब कैसी हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ हूर ज़हरा, माउन की मम्मा। आज मैं आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, जो कि बाहर हम लोग गए थे। ये लाहौर वालों को तो अच्छी तरह पता होगा, ये कहलाती है फूल स्ट्रीट है, यहाँ पे जो बादशाही मस्जिद के पास है। तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम, असल में कोई प्लान हमारा नहीं था जाने का अभी कहीं बाहर, क्योंकि अभी रिसेंटली माँ की बर्थडे करने हम जू भी गए थे, उससे पहले भी गए थे, माल रोड पे भी घूमे फिरे। लेकिन हुआ यूँ कि माँ सो रही थी तो उसके आँख पे कोई ना कीड़ा काट गया, तो उसको काफ़ी पेन भी था, स्वेलिंग भी हुई थी। खैर डॉक्टर वगैरह पे गए, इंजेक्शन मेडिसिन हो गया, तो ये काफ़ी अपसेट थी। तो इसके पापा भी काफ़ी परेशान हो गए, तो उन्होंने इसको कह दिया कि चलो आज हम ना घूमने चलेंगे, मैं अपने काके को ना लेके जाऊंगा बाहर। तो आपको पता है बच्चे उस टाइम वैसे लाडले बने होते हैं, जब कोई थोड़ा बहुत पेन या उनको कोई मसला हो और पता हो कि माँ बाप परेशान हुए हुए हैं। तो फिर इसके पापा ने फिर इसके लिए छुट्टी की काम से और हम लोग यहाँ पे आ गए। तो हमारा प्लान असल में फोर्ट्रेस जाने का था, लेकिन फिर वो दूर करके मैंने कहा रास्ते में इसकी आँख पे डस्ट वगैरह जाएगी तो वो ठीक नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने इधर फूल स्ट्रीट पास में है तो वहाँ का प्लान कर लिया। यहाँ पे इसको डोल डांस, इसको ये पपेट शो को डोल डांस कहती है, तो इसको ये भी काफ़ी पसंद है, तो हमने यहाँ का प्लान बना लिया। तो ये देखें, ये पपेट शो है, जो आप लोगों को तो पता है पुतली तमाशा, पपेट शो हम लोग कहते हैं इसको। तो अब तो ये काफ़ी कम कम ही नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी भी रह गया है, नज़र आ जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पे ये आगे हमने सबसे पहले यही देखा, उसके बाद ये है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बच्चे के इंटरेस्ट की होती हैं, मंकी और राइड वगैरह, बच्चों की खाना पीना हर चीज़ होती है, तो थोड़ा बहुत बच्चे का दिल लग जाता है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ उन्होंने ना माहौल बनाया हुआ है, बड़े भी आराम से इंजॉय कर लेते हैं यहाँ पे। बबल डैम नहीं तो उनका फेवरेट है ना, वो मुंगा लगा के नाम ने अभी दो दे दिया था ना, नहीं बनाया दिया। इसके साथ कैसे खेलते हैं? चलो रैपर वो डस्टर में डाल दो, वो डस्टर पड़ा है ना, रैपर उसमें डाल दो। चलो मेरे काके को तो ये बहुत पसंद है। चलो तो यहाँ पे लस्सी वगैरह, चाय, कॉफ़ी हर चीज़ थी। तो मटका चाय भी होती है यहाँ की, अच्छी होती है, वो मैं यहाँ पे अक्सर पी लेती हूँ, ग्रीन टी। तो लाइव म्यूज़िक वगैरह भी था यहाँ पे, हमने खाना नहीं खाना था, खाना खा के आए थे, तो इसलिए हम यहीं पे घूमे, वरना यहाँ पे साइड पे ना होटल्स भी हैं, वहाँ पे ऊपर जाके वहाँ पे रूफ टॉप पे खाना और लाइव म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है वहाँ पे बादशाही मस्जिद का, मीनार पाकिस्तान का, तो काफ़ी मज़े का माहौल होता है वहाँ पे। तो लेकिन हम इस दफ़ा ऊपर नहीं गए, बस हम नीचे नीचे यहीं पे बस स्ट्रीट में ही हम घूमते रहे, यहाँ पे इंजॉय किया। मेन मकसद हमारा यही था कि चले मोमना खुश हो जाएगी, इसका दिल लगे ज़रा, थोड़ा सा अपसेट माहौल हो रहा था घर में। तो यहाँ पे ये देखें, ये लाइव म्यूज़िक चल रहा है,
काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे चल रहा था, म्यूज़िक है साथ, खाना शाना जो मर्ज़ी आप खाएं, तंदूरी, बारबेक्यू और कढ़ाइयाँ, ये वो जो भी होता है सारा देसी फूड हमारा यहाँ पे काफ़ी है। तो मोमना ये बबल ट्रैप लेके खुश हो गई थी, इसके साथ काफ़ी खेलती रही और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। फिर हमने मंगवा ली ग्रीन टी, मटका टी और साथ में खीर मंगवा ली थी कि चलें मोमना शायद खा ले, तो पहले तो ये खा ही नहीं रही थी, फिर इसको मोबाइल दिया तो फिर आपको पता है मोबाइल में लग के तो बच्चे फिर खा ही लेते हैं, तो फिर इसने एक खाई एक मैंने खाई और साथ में चाय पी, काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय किया टाइम को। बस बच्चों की जो ये छोटी मोटी परेशानी होती है ना, यही इतना परेशान कर देती है कि अल्लाह बस सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें। आजकल कुछ मौसम भी थोड़ा सा हो गया, मौसम सर्दी का आने वाला है और थोड़ा सा समझ ले बारिशों का भी चल रहा है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से कीड़े मकोड़े भी थोड़े बहुत हुए हुए हैं, तो आप लोग भी काफ़ी केयर करें अपने बच्चों की। तो ख़ास तौर पे बेड जो होता है ना वो बिल्कुल दीवार के साथ ना रखें, आप थोड़ा सा आगे उसको रखें। हमारा हालांकि दीवार के साथ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कोई कीड़ा कहाँ से आ गया। तो अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें सब बच्चों को, बड़ों को, हमें। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे माँ बाप को परेशानी हो जाती है, और ख़ास तौर पे आँख जैसी समझ लें चीज़ जो सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, तो उसके लिए ज़्यादा परेशानी हो गई हमें। इसके पापा को भी काफ़ी टेंशन हो गई थी एकदम, लेकिन मैंने इनको भी थोड़ा बहुत तसल्ली दी कि कोई बात नहीं अभी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये कि काफ़ी ठीक हो गया था जब मेडिसिन पूरी कर ली ना इसने 3 डोज, तो काफ़ी बेहतर हो गई थी उसके बाद आँख की स्वेलिंग इसकी, और 1-2 दिन में माशाल्लाह काफ़ी बिल्कुल ठीक हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। मोबाइल तो पापा को पकड़ा दो। वाओ कुछ ला के आ रहा है। वाओ चलो चलो चलाइए चलाओ थाकी चलाओ वहां तक चलो वहां तक दे जो चलो जी मां ड्राइव करेगा चलो। ओए वाओ मजा आया कहाँ जाना चाह भी
बस यहीं पे हमने वापसी की तरफ हो गए, और ये वापसी की तरफ जहाँ से हम जाते हैं वहाँ पे इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट और एंटीक चीज़ें काफ़ी यहाँ पे हैं, ज्वेलरी वगैरह भी है, थोड़ा बहुत पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस भी यहाँ पे लगती रहती हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, आ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।